अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरियत ऑन कराची कंस्ट्रक्शन अपडेट बाय पीपीएल। आज हम एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हैं और ये विला की हैंडओवर सेरेमनी थी और मेरे साथ हमारे जो है वो कस्टमर असद साहब मौजूद हैं। हम इनसे जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी इनके इश्यूज आए इनको कंस्ट्रक्शन के दौरान और इसके अलावा आज जो है वो विला हैंडओवर होने के बाद जो है वो इनके हाईटेक और पाकिस्तान प्रॉपर्टी रिलेटेड से रिलेटेड जो है वो रिव्यूज़ कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा बहरियत ऑन कराची का जो है वो आपने सोचा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके, ये क्या रीज़न थी कि आपने बहरियत ऑन कराची को ही सिलेक्ट किया? देखें, बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो कि आप जैसी आपकी फैमिली ग्रो करती है आप एक ऐसे ऑप्शन पे जाते हैं जो आपके लिए फीजिबल हो। बिल्कुल ऐसी है। सेंट ऑफ ए सिटी के अंदर मेरे लिए वो कॉस्ट ब्रैकेट जो था उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं थी जिसको मैं अप्रोच कर लूँ और मेरी फैमिली उधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएट चॉइस जो थी मेरे पास वो यही थी कि मैं बहरिया टाउन की तरफ जो है देखूँ। ठीक है, और यही वजह है कि मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया और कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के दौरान किस किस्म की आपको हर्डल जो है वो फेस करनी पड़ी और क्या सजेस्ट करेंगे कि जो हर्डल हमारे कस्टमर जैसे जो आपने फेस की हैं कि इन फ्यूचर हम लोग उनको जो है वो कम कर सकें कंस्ट्रक्शन के दौरान? अच्छा, इसका कंपेरिजन मेरे ख्याल में ना यूँ ज़्यादा बेहतर है कि एक बार जब आप कराची में कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो उधर रूल्स जो है ना वो बाईपास बहुत होते हैं। आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं उसके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, जो एक एडेड एडवांटेज है वो बैरिया में ये है कि हर स्टेज के ऊपर आपको फाइनली अप्रूवल जो है वो बैरिया से लेनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह से जो मटीरियल सेल्फ है उसकी भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो एक तरह से जो ना एश्योरेंस हो जाती है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं एटलीस्ट उसके अंदर जो मटीरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो उसी स्टैंडर्ड या एटलीस्ट उस स्टैंडर्ड का है जो कि एक बेहतर स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ मटेरियल तो एक ये बात हो गई। दूसरी ये बात कि हमें क्या हर्डल्स आए। नहीं, हर्डल्स मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि जब हमने इसको स्टार्ट किया उस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो थी बूम पे थी। बिल्कुल ऐसे ये 2021 का एंड था, तो बड़ी चीज़ें फ्लो में थी, हमने सारी चीज़ें बड़ी आराम से मैनेज करी। उस वक्त तो ये हाल था कि आप कोई लेबर ढूंढने जाओ तो नहीं मिलता था क्योंकि वो सारी इंगेज होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। बट एनीवेज, यानी हमने क्योंकि पीपीएल के साथ और हाईटेक के साथ इसको कोऑर्डिनेट किया और उन लोगों का भी यानी आप लोगों का भी ये पहले ही प्रोजेक्ट था, अर्ली प्रोजेक्ट्स में से एक था, तो मेरे पास लेबर फोर्स का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हम लोग क्योंकि सेटिंग्स हमारी बड़ी रेगुलर थी जिसके अंदर हम डिसाइड करते थे कि ये बजट है हमने इसके ऊपर अब क्या लेना है, तो स्टेज के ऊपर जो उसी बजट के अंदर रहते हुए हमने सारा मटेरियल लेना होता था तो उससे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके इवेंचुअली हमने जो है बिल्डिंग खड़ी खड़ी कर ली। जो प्रॉब्लम आई वो अब बेसिकली आई थोड़ा सा लेटर ऑन जब हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई, हम फिनिशिंग स्टेज पे आ गए। नॉर्मली फिनिशिंग ना 3 महीने में हो जाती है। बिल्कुल ऐसे बहुत हुआ तो आप उसको 4 महीने में स्ट्रेच आउट करते हैं, मगर उस स्टेज के ऊपर जाके ज़रा प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हर चीज़ जो है वो उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उस कीमतों के बढ़ने का मतलब ये है कि मेरी पॉकेट जिस चीज़ की मुझे इजाज़त देती थी और जो मैंने अग्री किया था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट ये दे सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वही जब पैसे निकाल रहा हूँ मुझे वो चीज़ मार्केट में वो नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। तो उसके अंदर वो ना टू एंड फ्रो रहा, यानी मैंने खुद भी बात करी पीपीएल से और हाईटेक से कि देखिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना चिप इन कर लूँ। ठीक है, उन्होंने अंडरस्टैंड भी किया कि जाहिर सी बात है ये सिचुएशन ऐसी है कि उसके अंदर थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम हुआ ये कि जब ये सब जो है वो डॉलर क्योंकि बढ़ता जा रहा था और सिचुएशन जो है वो वर्स से वर्स होती चली गई, आई मीन अभी भी बहुत ज़्यादा वर्स है, कोई इतनी बेहतर नहीं है, स्टेबल नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली ये ज़रा प्रॉब्लम है, मगर आपने स्टिक इन करना होता है, आपने बस लगे रहना होता है और इवेंचुअली फिर जो है प्रोजेक्ट होते हैं ये, यानी ये तो पार्ट एंड पार्सल है इस पूरे उसका। ठीक है। अच्छा, घर जो है ना वो बहुत सारे बिल्डर्स बनाते हैं, कोई भी बना देता है, घर बनाना मैं कहता हूँ कोई आर्ट नहीं है, लेकिन जो आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिली है कि यार, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं लगी, ये चीज़ ऐसे लगनी चाहिए थी, इसके बारे में बताइएगा।
नहीं, इसमें मैं बड़ा फॉर्चुनेट आदमी हूँ मैं। उसकी वजह ये है कि एक तो शायद बाय नेचर मुझे पता है कि मुझे जो जिस हिस्सा से चाहिए, अगर दूसरा हिस्सा से नहीं कर रहा है तो मैं कान मरोड़ के भी उससे करवाऊंगा। तो ये तो आपको करना ही पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे यस कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, मगर वो ट्रेड ऑफ है। यानी आप देखते हैं कि आया ये आप जो चाह रहे हैं उससे बेहतर है या उसके इक्वल लेवल पे। तो उस ट्रेड ऑफ में मैंने ये देखा कि कहीं पे मैंने लूज़ नहीं किया, मैंने जो चाहा जिस तरह से चाहा वो सारी चीज़ें होती चली गई। ठीक है, थैंक यू सो मच असद साहब। आपने जो है वो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं इनके और जो भी इनको हर्डल जो हैं वो इस पीरियड के दौरान जो हैं वो रही, इन सब ये सारी चीज़ें जो है वो इन्होंने डिस्कस की हैं। फर्दर आपकी कोई क्यूरीज हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर ओवरऑल बैरेटन कराची से रिलेटेड तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।